वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको मिल्क कलाकंद बनाना बताऊंगी। इसे हम अजमेर या अलवर का कलाकंद भी कह सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कुछ टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो बिना समय गवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिल्क केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो फुल क्रीम दूध लिया है, तो इसको हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि बॉईल ना हो जाए। गैस की फ्लेम को हमें फुल ही रखना है। दूध को पकाने के लिए आप चाहे तो नॉन स्टिक पैन ले सकते हैं या फिर मोटे तले की जो कढ़ाई होती है वो हमें इसमें लेनी है, ताकि दूध जो है नीचे तले से लगे नहीं। एक बॉईल आने तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है। दूध जितना अच्छा और गाढ़ा होगा उतना ही हमारा कलाकंद अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं दूध बॉईल होने लग गया है, तो गैस की फ्लेम को मैं कम कर देती हूँ। जब तक दूध आधा न रह जाए तब तक हमें इसको कम फ्लेम पे ही पकाना है, और बीच बीच में हमें इसको चलाते रहना है ताकि तले पे न लगे। दूध गाढ़ा होता है जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक केक टिन लिया है। आप चाहे तो कोई भी धम्मा या टोपिया ले सकते हैं। तो चलिए इसको अब हम घी से ग्रीस कर लेंगे। चारों तरफ से हमें इसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है। इस तरह हमें चारों तरफ से ग्रीस करना है। तो मैंने इसको ग्रीस कर लिया है। मैंने यहाँ पर मोटा कपड़ा लिया है। हमें इस तरह कोई भी मोटा कपड़ा हम ले सकते हैं। इससे हम ब्रेड टिन को चारों तरफ से ढकेंगे। ये तैयारी हमें पहले से ही करनी पड़ेगी क्योंकि बाद में हमें टाइम नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ पर ये फिटकरी ली है, इससे हम दूध को फाड़ेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दूध जो है गाढ़ा हो गया है, पहले से भी आधा रह गया है। तो चलिए अब इसमें हम फिटकरी ऐड करेंगे। ये जो हमने फिटकरी ली थी ये हमें 1 पिंच करके इसमें ऐड करनी है, और गैस की फ्लेम को हम थोड़ा सा तेज कर देंगे। 5 से 10 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही पकाने हैं। आप देखेंगे कि इसमें दाने होने लग गए हैं। आप देख सकते हैं इसमें दाने जो है उठने लग गए हैं, ये देखिए। तो चलिए इस स्टेज पे हमें इसमें शक्कर ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पर 150 ग्राम शक्कर ली है, ये मैं इसमें ऐड करूंगी, और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने फुल कर दिया है। 5 से 10 मिनट तक हमें इसको इसी तरह चलाना है। फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और इसको हमें लगातार चलाते रहना है, क्योंकि इसमें छींटे उछलते हैं, तो हमें सावधानी से ये काम करना है। शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, थोड़ा हमने इसको पका भी लिया है। तो इस स्टेज पे हमें इसमें घी ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम घी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ये मिक्स करना है। एक साथ हमें नहीं डालना है, और धीरे धीरे हमें इसको चलाते रहना है ताकि छींटे हमारे ऊपर नहीं आए। घी डालने से फैट आएगा, और फैट आने से जो है कलाकंद हमारा और सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा घी हम और ऐड करेंगे। इस तरह 3 से 4 बार करके हमें घी ऐड करना है, और कम फ्लेम पे हमें इसको चलाना है। आप देख सकते हैं मिल्क केक हमारा बन चुका है, ये चिकनाई छोड़ने लग गया है। तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसको नीचे उतारेंगे। ये देखिए बिल्कुल हमें इस तरह रखना है इसको। यदि और ज्यादा पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए अब इसको हम केक टिन में डालेंगे। जल्दी से डाल के हमें इसको बंद करना है। अब मैं बंद कर देती हूँ इसको, और जल्दी से इसको हम फोल्ड कर देंगे ताकि इसमें जो हीट बनी रहे। इस तरह 3 से 4 घंटे तक हमें इसको ऐसे ही गर्म जगह पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। जब 3 से 4 घंटे हो जाएंगे तब हम खोल के देखेंगे। 3 से 4 घंटे हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसको हम खोलेंगे अब एक बार। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलाकंद बनकर हमारा तैयार हुआ है। इसे हम हटा लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसको अब हम कट कर लेंगे। नाइफ की मदद से इसको हमें कट करना है। ये देखिए आसानी से कट हो जाता है। मैंने इसको कट कर लिया है, तो चलिए प्लेट में सर्व करेंगे।
कलाकंद को मैंने प्लेट में सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलाकंद बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको एक पीस। बहुत ही नरम कलाकंद हमारा बना, आप देख सकते हैं ऐसे करके टूट रहा है। आप जरूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बनाने में बहुत ही इजी है। कलाकंद बनाते समय हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें फुल क्रीम दूध लेना है और जिस भी हम कढ़ाई में इसको बनाए वह मोटे पेंदे की होनी चाहिए ताकि तले से नीचे कलाकंद लगे नहीं। आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।